एंड अब आप समझिएगा बेटा, इवन इवन मैं चाहता हूं कि करंट कंडक्शन इन हम कह सकते हैं सब्सटेंसेस क्या होता है, तो करंट कंडक्शन एंड चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर, कोई बड़ी यूनिक बात नहीं करने जा रहा हूं। तो पता है बेटा, तुम्हारे घर में जो वायरिंग है कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है, उसके अंदर जब करंट जा रही है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और तुम्हारे घर में जो तार लगा है बेटा वो सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। सॉलिड में करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आगे बढ़ता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर के एटम जो होते वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। तो पहला बात क्या करेंगे, इन सॉलिड्स चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, मतलब चार्ज को कैरी करने वाले क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। बोले क्लियर? इन लिक्विड्स एंड गैसेस बेटा, लिक्विड और गैस में समझिएगा बेटा, जैसे लिक्विड क्या होता है, अगर कहीं जमा हुआ है, रुका हुआ तो रुका रहता है, लेकिन चलना था तो चल भी सकता है। तो लिक्विड में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रॉन, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन हटे हैं निकले हैं वो पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, लिक्विड में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, मतलब वो देखो लिक्विड में टोटली फ्री तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर फ्लो दे तो चलेगा। तो लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स अगर मूवमेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब इसमें चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और उनका पॉजिटिव आयन जहां से इलेक्ट्रॉन डिचार्ज हुआ। तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आयंस। तीसरा जो तुम लोग क्योंकि सब ट्वेल्थ पढ़ के आए हो तुम्हें पता है, सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते थे बता बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, HOLES। बोले क्लियर? लिखे इसे जल्दी से आगे चला जाए। अब आइएगा, चलो दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन से उनको कर रहे हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट है बड़ा, इनको मतलब ये पूछी जाती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन जो हैं ये चैप्टर को आगे ले जाने में मदद करेंगे। उनमें है बेटा थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी हम यू से ही लिख देंगे बेटा, एंड सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमें थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। पहला बात हम करना चाहेंगे बेटा, हिवन साइड हेडिंग भी डाल दो, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। अगर बेटा बिल्कुल अगर इसी शब्द पे चले जाए तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, थर्मल माने जानते हैं क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब किसी कंडक्टर की, जैसे बेटा आपके रूम में कंडक्टर है, वायर है लगा है, या आपने हाथ में मान लिया कंडक्टर लिया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वेलोसिटी जो रूम टेम्परेचर पे होती है उसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। एक और चीज जिसमें कही जा सकती है, ये एक तार है बेटा कॉपर का या सिल्वर का, तो इस समय हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है और इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है, ना इधर हमने बैटरी ना इधर कोई बैटरी नहीं लगाई है। तो जब बैटरी नहीं लगाते हैं तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल की तरह इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हैं, इनकी वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो थर्मल वेलोसिटी का मतलब जानते क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक बैटरी आके इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। रिपीटिंग, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर इज द वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम कहते हैं। तो हम इसे लिख रहे हैं, देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले किसी को कोई आपत्ति? अब फ्री में है तो ले लो, फ्री की चीज के बारे में पूछा थोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स है बेटा तुम ऐसे नगर, इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारा नाम क्या है वैसे बताओ, मैं भूल,
बालिके तेरा नाम क्या? एक सेकंड, चलो लिख लिया, नाम ही नहीं बता रही हो। अच्छा हाँ ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली बताए ना, जब वो बोल रहे होते हैं ना तो जरा उस पर भी कान लगाया करो ना, बोलते भी तो है ना। चल बेटा लिख लिया। मैं बताऊं बेटा, आप याद करने प्लीज मत चक्कर में पड़ो, तुमसे डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं आएगा, समझ में आना चाहिए। क्या किसी वायर को तुम रूम टेम्परेचर पर बगैर बैटरी या किसी सोर्स से कनेक्ट किए बगैर रखो तो उसके अंदर जो आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज सुनिएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एक गैस मॉलिक्यूल की तरह आवारा है तो आप जानते हो बेटा थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम मान लो कहो सर हमने एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस मार दिया और उसके ऊपर देखा तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी थी, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, सभी का एवरेज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, तो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होती है लगभग 10^5 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 10^5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन और चीज ध्यान रखिएगा, बट आप देखिएगा इसका, बट एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सुनिएगा बेटा हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर एवरेज लिखे तो बार से लिख सकते हैं, समझिएगा, यू बार का मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की डैश डैश nth की, n कैपिटल ही लिखना कंडीशन है, अपॉन n, जानते ही क्या होता, ये जीरो होगा, यू क्यों होगा हम बताएंगे, यू टू प्लस यू कैपिटल n अपॉन n इक्वल टू जीरो होगा। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी एरो नहीं है बेटा, बार है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, ये जीरो होगा। हम बताएं रीजन हम बता देंगे क्या है, आप लिखो पहले, क्योंकि अभी मैंने तो स्टेटमेंट लिखा है। हाँ बोलो बॉयज में क्या बोले बेटा आप, चलें इसका मीनिंग बताएं बेटा। एक चीज बताइएगा, मान लो एक ये तार है, आप ध्यान देना, ये एक तार है, वायर है, और इस वायर के अंदर तो तुम्हें पता है बेटा, अगर कॉपर सिल्वर जैसे अच्छे कंडक्टिंग वायर ले लो, ये वायर इसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, अगर हम इसे बैटरी ना लगाएं तो क्या ये वायर जिसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, क्या इन इलेक्ट्रॉन के चलने मात्र से ये वायर खुद अपनी करंट पैदा कर देगा? नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें बताएं बेटा, लेकिन तुम्हें बताएं, करंट हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज से, बेटा शांत हो जाओ, देखो करंट हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज से पैदा होता है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज की गति से पैदा होता है। लेकिन फिर भी मान लो ये कंडक्टर ये ले लो, मान लो ये आयरन का होता पीस, कॉपर का होता, इसके अंदर अरबों फोर इलेक्ट्रॉन है और सब अंदर गैस की तरह इधर उधर आवारा गर्दी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खुद की करंट पैदा करेगा? करना करेगा तो खाली इस तार के साथ तुम एक बल्ब लगाओ और बगैर बिजली की सहायता के बल्ब जल जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर ऐसे घूमते हैं, जैसे होता ना कि तुम मोटरसाइकिल बहुत भीड़ वाली सड़क में लगाओ और आगे जाम लगाओ तो तुम कहो सर इधर उधर घूमे घामे घामे और फिर लौट के वहीं चले आए वापस, क्यों? क्योंकि आगे निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो तुम जहां से चले मोटरसाइकिल इधर 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 ब्रेक व्रेक लगा के फिर कहा सर आगे तो जाम है वापस चले आए, पता तो तुम अपनी जगह पर जब चले आए तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई ना। बस यही है मतलब, जब एक तार के अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर गैस की तरह घूमेंगे, इनके डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, और जब वो किसी भी तरफ जा सकते हैं तो उनका एवरेज मोमेंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को अगर मोमेंट है, वो लगभग जीरो आएगा। दूसरा एक और तरीका लो, कहते हैं जैसे इस तार में इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, वगैरह वगैरह। अब तो मान लो कहो सर हम इसके एक क्रॉस सेक्शन पे फोकस करते हैं, तुमने कहा सर ये तार था, हमने इसके इस क्रॉस सेक्शन ए बी के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दी और चेक किया, क्या चेक किया कि सर ए बी क्रॉस सेक्शन से अगले 10 सेकंड में गुजरने वाले दाहिनी तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन और बाईं तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन, मैं रिपीट कर रहा हूं,
थ्रू द क्रॉस सेक्शन ए बी इन अ निश्चित टाइम इंटरवल इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी सेम होगा। मतलब तुम्हें लगेगा सर हमने 10 सेकंड देखा तो पता चल सर 1000 इलेक्ट्रॉन दाहिने गया और 1000 इलेक्ट्रॉन लगभग बाएं गया, इसलिए बताओ इस क्रॉस सेक्शन से नेट इलेक्ट्रॉन कितने गए? जीरो, क्योंकि जितने दाहिने गए उतने बाएं, और जब नेट इलेक्ट्रॉन जीरो गए तो नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो, और जब नेट चार्ज जीरो हुआ तो नेट करंट क्या हुआ? जीरो। इसका तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। बोले क्लियर? ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन जब अगर थ्योरेटिकल चीजें आती थी तो उसमें इसका महत्व होता था क्या कि सपोज देयर इज अ क्रॉस सेक्शन ए बी, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू ए बी टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, देन यू वुड फाइंड आउट दैट इन अ निश्चित टाइम इंटरवल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड द मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन वुड बी सेम। क्लियर? चलो बेटा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर इज जीरो, लेकिन किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लो तो 10^5 होती है। ये कोई गलत बात नहीं है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा था, बताओ यहां से गया और इधर एक पॉजिटिव आयन से, तुम कहोगे पॉजिटिव आयन कहां से आया? भैया ये वायर है, जिन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो सब एटम भी तो यहां धंसे हुए हैं, उनसे इनकी टक्कर होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक पॉजिटिव आयन से टक्कर हुई, मान ले इधर चला गया, और फिर इसकी दूसरे पॉजिटिव आयन से टक्कर हुई, तो यहां से यहां तक जाने में कोई गति थी ना, ये U1 लिख लो, यहां से यहां तक जाने में गति क्या थी? U2 थी। तो दो टक्कर के बीच में तो गति होगी ना कुछ। बोले बेटा, हाँ, और वो कितना, वो बेटा कितना है? वो 10^5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, किसी को इंटरेस्ट हो कि सर हम निकालना चाहते हैं 10^5, तो मैं तुम्हें फार्मूला बता दूं, तुम घर पे काउंट कैलकुलेट कर लेना। तो देखो हमने बताया था ना थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम ये वाला फार्मूला लगाना। हमने बताया ना इलेक्ट्रॉन को हम गैस की तरह ले रहे हैं और गैस की वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी का फार्मूला लगा देना, ये √3 kT/m, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वन इलेक्ट्रॉन इज अ वन पार्टिकल, पार्टिकल के केस में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगता है, अपॉन m आएगा। अब ध्यान देना √3 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बोलो, मैं भूल गया, एट इंटू 10^-23 ना, और टी क्या है जानते हो? टी इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आमतौर पर जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मानते हैं, तो 25 + 273 (298) होता है, लेकिन हम आमतौर पर राउंड ऑफ करने के लिए 27 डिग्री मान लेते हैं, तो 27 + 273 (300 K) होता है, तो रूम टेम्परेचर को 298 (300 K) लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता, 9.1 × 10^-31 सॉल्व करना, उतना ही आएगा जितना बताया। ठीक है, चले आते बेटा, हमने अभी पढ़ा थर्मल वेलोसिटी, फिर हमने कहा एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब आप एंड में एक चीज ध्यान रखना बेटा, अभी मैं तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता देता हूं, लेकिन एंड में मुझे बता याद रखना कि सर आपने कहा था इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी बताएंगे, तो एंड में जैसे ही मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दूं तब बता देना, भूल ना जाए। चलिए हेडिंग दीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे VD से लिखते हैं, V फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट। ये मिटा दो ये डेटा, ठीक। चलिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझना, मैंने तुम्हें बताया था ना एक कंडक्टर है या एक वायर है, आपने उससे बैटरी नहीं जोड़ी तो उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर आवारागर्दी कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन एक तार से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, यानी बैटरी कनेक्ट कर दें, तो आप यहीं से स्टार्ट करूंगा, व्हेन बैटरी कनेक्टेड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, और विथ अ कंडक्टर। ठीक, अब मैं यहां लिख देता हूं, फिर आप आगे, देन एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं भी बता दूंगा इसका मतलब क्या है। एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है बेटा, ठीक। देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ। अगर आप बैटरी कनेक्ट कर देते, जानते क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको सारा का सारा जैसे 1D पढ़ते थे वैसे ही जाके चलना चाहिए। जैसे एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है बेटा, इसके अंदर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, या प्लस और माइनस से प्लस हो गया माइनस हो गया, इस बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया, ये प्लस एंड हो गया ये माइनस हो गया। अब आप बताइएगा ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब बताओ बेटा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे, आप खुद सोच के बताइए अच्छे से। पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ गैस की तरह जा सकते थे, अगर ये टक्कर खा गए इधर भी चले गए इधर भी चले गए, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स काम करने लगेगा। और फोर्स क्या होगा, Fe = qE, q की जगह E लिख देना क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, E लगेगा। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी के प्रेजेंस में जब आप कंडक्टर रखेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना चाहेगा, यानी ये फोर्स कहेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिने है तो तुम इधर की ओर एक्सेलरेट करो। लेकिन तुम बताओ बेटा इस फोर्स की मदद से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक्सेलरेशन महसूस करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा? नहीं, वो सब अच्छा, मैं वो गलत उल्टा ले गया, डायरेक्शन उल्टा बता रहा हूं, मतलब ये सब ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, सुन लो बेटा शांत हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फोर्स लगता है लेकिन नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट लगता है, तो डायरेक्शन इधर दिखा लो। या देखो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, पैरेलल नहीं लगेगा। तो आई एम रिपीटिंग बेटा, क्या था, एक कंडक्टर था, इसमें बैटरी आपने कनेक्ट किया, इसलिए इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन की तरफ फोर्स महसूस करेगा, लेकिन वो बेटा एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा बहुत देर, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेगा, जैसे यहां से फोर्स लगा एक्सेलरेट किया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा एक पॉजिटिव आयन से टक्कर हो गई, क्योंकि खूब सारे पॉजिटिव आयन धंसे हुए इधर उधर, टक्कर हुई तो बेचारा इधर चला गया। जैसे इधर जा रहा था ये फोर्स देखकर बेटर था मैंने, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगातार काम कर रहा, वो कह रहा कहां जा रहा हो बच्चा, चलो इधर, फिर बेचारा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर इधर की ओर चलने की कोशिश करेगा, फिर हो सकता है चल रहा हो यहां पर फिर टक्कर हो जाए, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा इधर चलो, मान इधर जा रहा फिर टक्कर हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है अब इधर चला जाए। तो तुम वैसे ही जैसे आप जान को एक बहुत सारी भीड़ वाली सड़क पर, तुम वैसे आम दिन पर मोटरसाइकिल हाईवे पर तुम्हें मिल जाए तो हो सकता है तुम 80-90-100 की स्पीड से चलाते हो, लेकिन जाम वाली सड़क जहां पर बहुत सारी भीड़ है, जैसे मार्केट जहां पर कंजेस्टेड होती हो, पहुंच जाओ तो तुम चाहे जितने अच्छी तेज गाड़ी चलाते हो तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे कंट्रोल ना होगी, क्योंकि तुम जैसा एक्सेलरेटर गाड़ी को दोगे एकदम से आगे रिक्शा आ जाएगा, ब्रेक लगाओगे, जैसे ब्रेक लगाओगे रिक्शा वाला बाएं दाएं मुड़ेगा, फिर तुम्हें एक्सेलरेटर किया, आगे कोई पैदल चलने वाला आ गया फ्री ब्रेक लगाओगे, फिर आगे गए फिर ब्रेक लगाया। बताओ तुम चाहे जितनी अच्छी तेजी से ड्राइवर करते हो, तुम चाहे जरा सी इतनी सी जगह मिली उस कंजेस्टेड रोड पे तुमने एक मोटरसाइकिल को जूम करके एक्सेलरेटर मारा, लेकिन रत्ती भर आगे जाके फिर ब्रेक लगानी पड़ती है, वही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स की वजह से रत्ती भर एक्सेलरेट होते हैं, जैसे एक्सेलरेट होकर चलते हैं उनकी टक्कर हो जाती है, टक्कर में उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, टक्कर बेटा इलास्टिक माना जाता है क्योंकि ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है बहुत छोटे, तो इनकी टक्कर क्या इलास्टिक है एक तरह से, ये मान के चलिए, तो डायरेक्शन बदल गई फिर वो आगे बढ़े फिर किसी और से टक्कर हो गई, इसलिए ये एक फोर्स जो इंस्टेंटेनियस है वो एक्सपीरियंस जरूर करते हैं, लेकिन इस फोर्स की वजह से इनका मोशन एक निश्चित डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो पाता है, बिकॉज दे कीप कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयंस एंड लूज देयर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी या डायरेक्शन उनकी चेंज होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फाइनली एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी ना पा करके, एक एक्सेलरेटेड मोशन ना पा करके एक एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पाते हैं, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मैं एग्जाम्पल दूं, मान लो तुम एक घंटे में 80 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो, लेकिन अगर एक तुम बहुत ही बड़ी भीड़ वाली बाजार में ले गए, तुम बड़ी देर बाद तुम्हें लगा सर इधर ले गए, रिक्शा का आया फिर ब्रेक लगाया फिर बच्चा आया फिर ब्रेक लगाया, पता चला जाम हो गया, और तुमने देखा कि सर वो बाजार की जी रोड थी
रोड सिर्फ 1 किलोमीटर बाजार की रोड थी, लेकिन उस रोड को पार करने में आपको आप बता बेटा 1 किलोमीटर को 15 मिनट में पार किया तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर पार करते? 4 किलोमीटर। तो तुम्हारी स्पीड देखो 80 से घट के क्या हो गई, सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर हो जाती, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी सही। तो बेटा बताइएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, हालांकि इतनी भी डेफिनेशन काम हो जाएगा। वो क्या लब्बोलवाब निकला, जब वायर के एंड पर बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा किया जाता था तो उनके इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती थी उसे थर्मल वेलोसिटी कहते थे, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी 0 होती थी, लेकिन किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होती थी वो लगभग 10^5 मीटर पर सेकेंड होती थी। अगर हम बैटरी लगा देते हैं कंडक्टर के एंड्स पर तो कंडक्टर्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जरूर फील करते हैं इस फोर्स की वजह से, बट दे कीप कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयंस, वो पॉजिटिव आयंस से लगातार टकराते रहते हैं, और जब पॉजिटिव आयंस से टकराते रहेंगे तो उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगातार चेंज आता रहेगा, और इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी फाइनली बड़ी कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि जाम वाली रोड कंजेस्टेड रोड पर आप जब 15 मिनट पे उसको पार कर पाए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर आया, जबकि आप आम रोड पर 80 किलोमीटर की वेलोसिटी निकाल लेते थे। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहां व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विद अ कंडक्टर देन एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख तो दिया, इतना ही ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है ये हम अभी ले आएंगे, हम ओम्स लॉ प्रूफ में ले आएंगे। बोलिए इतनी बात समझ गए। चलिए डेटा आइएगा, देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, बताइएगा मुझे, अगर मैं बीडी लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी 10^5 आया था, जहां तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी कम हो जाती है, 10^-4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इतना कम हो जाता है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 10^-4 सेकेंड, वहां 10^+5 था, 10^9 गुने का फर्क आ जाता है। बोले क्लियर। अब मुझे मैंने कहा था ट्रैजेक्टरी याद दिला देना, क्योंकि 5 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, तो एक हेडिंग देना ट्रैजेक्टरी। टाइम क्या हुआ बेटा, बस क्लास खत्म कर रहे हैं। देखो बेटा ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है सीधे सीधे तुम्हारे, इसमें फिर और बातें कल हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास सुबह रखेंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा ट्रैजेक्टरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगता था, नहीं लगता था। तो जानते क्या होता था, इमेजिन करना, इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, ये आवारा गर्दी करता हुआ इधर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव आयन से टक्कर हुई, ध्यान रखना इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स या जबरदस्ती नहीं हो रही है, जिधर जा रहा टक्कर के बाद उधर ही जा रहा है, फिर इसके बाद मान लो इधर चला जाए तो अगली टक्कर में ये जाएगा। तो ध्यान रखना एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या जो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैजेक्टरी जानते क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मैं सीधे लिख रहा हूं स्ट्रेट लाइन, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजंस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इट अप्लाइज, यानी थर्मल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड, तो लिखोगे स्ट्रेट लाइन। दूसरा लिखिएगा, देखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस का मतलब होता है दैट इज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी आप कनेक्ट करते हो ये, तो बताइएगा बैटरी कनेक्शन करने में जानते क्या समस्या आई थी, जरा ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन था मान लो टक्कर के बाद इधर जा रहा था, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तुमने बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा कर दिया था ये, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर की ओर फोर्स लगेगा। अब आप बताओ टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन थोड़ी डायरेक्शन बदल लेते, इधर जाना चाहता था वेलोसिटी ये थी, तो इलेक्ट्रॉन कह रहा हम इधर चलेंगे, ये कहता हम इधर चलेंगे,
लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील्ड में लग रहा है वो कह रहा है इधर चलो, तो दोनों का कहना मानेगा क्या? अपनी वजह से इधर चलना चाहेगा, फोर्स की वजह से इधर, इसलिए इसका पाथ हल्का सा ऐसे जाएगा। और ये पाथ क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो अब अगर ध्यान रखो, इतना पढ़ा दिया था सभी की क्लास में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रेजेक्ट्री क्या होता था? पैराबोला होता था, वही आएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी, या आप क्या लिखोगे, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। बोले बेटा, बोलो भैया। चलिए तो भाई लब्बो लो, आप क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन अगर थर्मल वेलोसिटी कर रहा है तो उसका पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहा है तो उसका पाथ क्या है? पैराबोला है। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में है, पाथ स्ट्रेट लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पाथ क्या है? पैराबोला है। ठीक है, अभी इतनी बात कर रहे हैं, एक हेडिंग डाल दीजिए जिससे आप कल बता सकें। सुनिएगा बेटा, क्या रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, आई मतलब करंट, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग डाल दो इतना, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। एक आध लोग डाल लो जिसे कल याद दिला सको। ठीक बेटे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम बेटा।